हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th की हिस्ट्री। और इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर पार्ट 2 में हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, सिविक्स और ज्योग्राफी के हमने लगभग लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, क्लास 10th क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे। एक तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस सिविक्स के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिस्ट्री की सीरीज अब स्टार्ट हो रही है, हिस्ट्री के भी हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे वन बाई वन, स्लोली स्लोली। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई थी, 1815 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस में डेमोक्रेसी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, ओके। फ्रेडरिक सूरो बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। विच रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति के लिए, नेशनलिज्म के लिए कौन सी रिवॉल्यूशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन कहा जाता है, कि पहली एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म के लिए, तो वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कब हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 में हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हू प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स या 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ न्यू वर्ल्ड, उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम बताना है जिसने 4 प्रिंट बनाए थे, 4 पेंटिंग्स बनाई थी और एक ड्रीम विजुअलाइज किया था एक नए वर्ल्ड का, तो वो थे फ्रेडरिक सूरो। When Ireland was incorporated into United Kingdom of Britain, Ireland को UK में, United Kingdom में कब मिलाया गया था, तो इसको मिलाया गया था 1801 में, वो भी फोर्सेबली मतलब ज़बरदस्ती। नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाई द फ्रेडरिक सूरो, फ्रेडरिक सूरो के द्वारा कौन सी पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड बाई डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ये पेंटिंग का नाम है, ध्यान रखना है आपको। What was the main aim of French revolutionaries? French revolutionaries का aim क्या था, फ्रांस के जो मतलब क्रांतिकारी थे उनका aim क्या था, उनका aim यही था फ्रांस और यूरोप में जो मतलब मोनार्की है उसको एबोलिश करना, और ये जो डेस्पोटिज्म चल रहा है, जो मतलब तानाशाही चल रही है, जो निरंकुश शासन चल रहा है, उससे लोगों को मुक्ति दिलाना, और साथ के साथ में एक नेशन स्टेट बनाना जहाँ पर लोग किसका हो, जो कॉमन पीपल है वो मतलब रूल करें, ठीक है। हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, तो वो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। When was France declared as Republic? France को Republic कब declare किया गया था? On 21st September 1792 में एक नई elected assembly बनी थी जिसने monarchy को ख़त्म कर दिया और France को Republic बना दिया था। Napoleon ने Italy पे कब invasion किया था? 1797। Who implemented the Civil Code of 1804? Napoleon Bonaparte ने implement किया था। Who hosted Vienna Congress in 1815? Vienna Congress के head कौन थे 1815 में, तो वो थे Austrian Chancellor Duke Metternich। Write a short note on Jolverin। Jolverin पर अगर question आए तो ये सारे point आप लिख देना, हालांकि मैंने छोटे छोटे question discuss करें, यहाँ पे ये 2 नंबर वाला question है, 2-3 नंबर में लिख सकते हो। तो पहली बात तो Jolverin एक कस्टम यूनियन है, इसको बनाया गया था प्रशिया के द्वारा 1834 में, लगभग सभी जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया था एक्सेप्ट जर्मनी, और इसका एम था कि जर्मन स्टेट्स को बाइंड करके रखना, एक करके रखना, और इकोनॉमिकली है ना, साथ के साथ में जो टैरिफ बैरियर्स हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट होता है गुड्स का, उसके बीच में जो टैक्स लगते हैं उस टैक्सेस को क्या करना, अबोलिश करना, ठीक है। और साथ के साथ में करेंसीज की संख्या घटा के भी कितनी कर दी थी, 30 से 2 कर दी थी, और मेन एम यही था कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देना इसके मेंबर स्टेट्स के बीच में। फ्रांस में 1789 से पहले कौन सी टाइप की गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो मोनार्कियल टाइप, मतलब जो राजा वाला सिस्टम था वो रूल कर रहा था, है ना। अच्छा, क्वेश्चन कमेंट करके बताना है आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर फ्रांस में किस कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी और उस डायनेस्टी के किंग का नाम क्या था, ये आपको बताना है। विच रीजन वाइज रूल्ड बाई हस्बर्ग एम्पायर, हस्बर्ग एम्पायर के द्वारा कौन सा रीजन रूल होता था, तो वो था ऑस्ट्रिया हंगरी। यंग इटली किसने बनाई, यंग इटली आपको पता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया था मेजनी ने, गुसेप मेजनी। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 क्या था, तो पहली बात तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में साइन हुआ था और जिसकी वजह से आपका बना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस एक्ट के तहत स्कॉटलैंड मिल जाता है इंग्लैंड में। एब्सोल्यूटिस्ट कौन होते हैं, पहली बात तो एब्सोल्यूट एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी प्रकार की गवर्नमेंट होती है जो जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता, कोई मतलब रोक टोक नहीं होती, वो अपनी पावर को अनलिमिटेड एक्सरसाइज करते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है। साथ के साथ में हिस्ट्री में इसका यूज किसके लिए किया जाता है, हिस्ट्री में जो मोनार्की होती है या डिक्टेटरशिप जो होती है, वो जो सिस्टम है वो एक प्रकार का एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रलाइज होती है, मिलिट्रलाइज होती है, रिप्रेसिव होती है, मतलब सारी की सारी पावर एक या तो किंग के हाथ में होती है या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होती है, वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, जिस पर कोई रोक टोक ना हो। यूटोपियन का मतलब क्या है, यूटोपियन एक विजन है सोसाइटी का,
दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब यूटोपियन एक ऐसा विजन है सोसाइटी का जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आप उसको अचीव नहीं कर सकते, बस एक ख्वाबों की दुनिया है, ठीक है, ऐसा ड्रीम। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट होता है जहाँ पे लोगों को पूछा जाता है कि भाई हम ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, आप या तो इसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। तो प्लेबिसाइट में लोग यस या नो देते हैं, ठीक है, कोई मतलब इशू होता है, इशू पे लोगों से पूछा जाता है बताओ आपकी क्या राय है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ करता था यूरोप में? पहली बात तो लिबरलिज्म जो वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड लेबर से आया है जिसका मतलब है फ्री। इसलिए जो नई मिडिल क्लास थी यूरोप में उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम मिल जाए व्यक्तियों को, साथ ही साथ में इक्वलिटी मिल जाए और लॉ सभी के लिए समान हो। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। इन 1834 ब्रिज कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड एंड हु जॉइंड इट, ये तो आपको अभी मैंने बताया था। 1834 में कस्टम यूनियन बना था, उसका नाम था जोलबरीन, और इसको ज्वाइन किया था, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स को ज्वाइन कर दिया था। मेन एम क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना का। ट्रीटी ऑफ वियना जो आपकी 1815 में हुई थी, इसका मेन एम यही था कि जो मोनार्की है उसको वापस रिस्टोर किया जाए, क्योंकि आपको बताएं 1815 से पहले इस सिस्टम को हिला दिया था किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन बोनापार्ट को आपको बताएं 1815 में हटा डिफीट कर दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को किस किस ने हराया था, कौन कौन से कंट्रीज थे उनके नाम बताना है, या कौन कौन से मोनार्कीज थी और एम्पायर थे जिसने हराया था उसका नाम बताना है, ठीक है। तो इसको हराने के बाद, नेपोलियन को हराने के बाद मीटिंग हुई थी वियना में, और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। तो इसका एम यही था कि जो मोनार्कीज हैं उनको वापस रिस्टोर करना, जिसको किसने हटा दिया था? नेपोलियन ने, जिसको ओवरथ्रोन कर दिया मतलब हटा दिया था, और पुराना वाला जो सिस्टम है कंजर्वेटिव वाला सिस्टम उसको वापस लेके आना यूरोप में। मेजनी कौन थे? तो भैया मेजनी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, और मेजनी ने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली बनाया था मर्सेल्स और यंग यूरोप बनाया था बर्न में, ये याद रखना आप, है ना। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ जुलाई 1830 रिवोल्यूशन इन फ्रांस? फ्रांस में जो जुलाई में 1830 में रिवोल्यूशन हुई थी उसका एम क्या था या रिजल्ट क्या था? तो ये 1830 में या 1830 जुलाई में जो रिवोल्यूशन हुई थी फ्रांस में, इसमें जो बर्बन किंग थे जिनको 1815 में लाया गया था उनको हटा दिया जाता है लिबरल रिवोल्यूशनरी के द्वारा, और इनकी जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी जाती है, और राजा बनाया गया था लुइस फिलिप, ठीक है। व्हाट वॉज सेड अबाउट मेजनी बाई मेटरनिक? मेजनी के बारे में मेटरनिक ने क्या कहा था? आपको पता ही है मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिक। तो इन्होंने मेजनी के बारे में कहा था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जा सकता है, हु सेड अबाउट ए पर्सन द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो मेजनी के बारे में कहा था, किसने कहा था? ये मेटरनिक ने। व्हाट मेजनी सेड अबाउट इवेंट्स इन फ्रांस? मेजनी ने जो फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी, उथल पुथल हो रही थी, इसके बारे में क्या कहा था? इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो पूरा यूरोप को जुकाम लग जाता है, मतलब जब फ्रांस छींकता है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। तो मतलब कुछ भी घटना हो फ्रांस में उसका इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा, यूरोप में देखने को मिलेगा, तो ये कहा था मेटरनिक ने। हुवर जंकर्स इन प्रशिया? तो लार्ज लैंड ओनर्स जो हुआ करते थे प्रशिया में उनको जंकर्स बोला जाता था। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड विच पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय हिम? तो बेटा जर्मनी को यूनिफाई करने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क, इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, और इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो करी थी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में जो जब देश आज़ाद हुआ था तो 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, इन सबको एक कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है, और बिस्मार्क समझिए ना क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने किसका यूनिफिकेशन करवाया था? जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया था। ऐसे ही सरदार पटेल ने किसका यूनिफिकेशन करवाया? इंडिया का यूनिफिकेशन, ठीक है। और कौन सी पॉलिसी अपनाई थी बिस्मार्क ने? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। 1688 में इंग्लैंड में क्या हुआ था? तो यहाँ पे एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी इंग्लैंड में, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि किंग से कुछ पावर छीन ली गई थी और एक पार्लियामेंट बना दी गई थी, उसको पावर दे दी गई थी, ठीक है। What did become the allegory of German nation? How has it represented visually? तो जर्मनी में एलिगोरी कौन है? तो जर्मनी में जो एलिगोरी है उसका नाम है जर्मेनिया, बिकम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। और इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया जाता है जर्मेनिया को? तो जर्मेनिया ने एक वियर से क्राउन ऑफ ओक लीव्स, मतलब उन्होंने सिर पर एक ओक लीव्स की एक क्राउन पहन रखी है, और ये ओक किसके लिए है? हीरोइज्म को शो करते हैं ना। नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन?
किस ट्रीटी के तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो वह है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में साइन हुई थी। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 के बाद रिवोल्यूशनरीज का क्या गोल रहता है यूरोप में? तो उनका एक ही गोल था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। राइट द टू फीमेल एलिगोरी इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कौन कौन सी फीमेल एलिगोरी है? तो फ्रांस में तो है मेरियने और जर्मनी में है जर्मेनिया, मेरियने और जर्मेनिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।